हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और वो टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पेरेंट एंड अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड पेरेंट। नॉर्मल पेरेंट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेरेंट में क्या फ़र्क होता है? देखिए, हम तो ये बात एक ऑब्वियस ही बात है कि हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटी है वो देते हैं। मगर ये एक नॉर्मल पेरेंट की क्वालिटी है। मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट कैसे बना जाए लाइफ में। नॉर्मल पेरेंट तो हर कोई होता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों की जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है होती है उसको वो पूरा करते हैं। मगर वो क्या चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक नॉर्मल पेरेंट में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट में? इसका सबसे बड़ा मैं आपको जो डिफरेंस होता है वो ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट अपने बच्चे के अंदर विजन को पैदा करते हैं। विजन का मतलब ये है कि उनके अंदर वो क्वालिटी पैदा करते हैं कि वो इस बात को समझ सकें कि लाइफ में उनको कुछ बड़ा करना है। और उस बड़ा, जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बड़ा बनना चाहते हैं लाइफ में, उसको करने के लिए जो क्वालिटीज उनको चाहिए वो पेरेंट्स उन क्वालिटीज को उनके अंदर बचपने से ही इंस्टॉल कर देते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल पेरेंट्स सिर्फ क्या करते हैं, बच्चों की बेसिक नेसेसिटी को पूरा करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट्स बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज को बचपने में ही पैदा कर देते हैं जिससे उनके बच्चों के अंदर एक लाइफ में विजन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? बच्चों को इस चीज़ का इंपॉर्टेंस बताना कि किसी भी काम को में अगर सक्सेसफुल होना है तो उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करना पड़ेगा। एक दिन क्या, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन क्या, एक दिन छोड़ दिया, अगर इस तरह से कोई काम करते हैं तो उससे उनको सक्सेस अचीव नहीं होगी। बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट डालना बचपने से ही, स्कूल बुक्स नहीं, उसके अलावा बुक्स को पढ़ना, बच्चों के अंदर बचपने से ही अप्रिशिएट करना उनको छोटी छोटी बातों में, बच्चों को बचपने से ही गिविंग का इंपॉर्टेंस बताना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अलग हट करके सोचना, कुछ यूनिक सोचना, और वो चीज कैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये सब एक ऐसे चीजें हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स, बच्चों को कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे एक अच्छा सोशल सोशल स्किल्स होनी चाहिए उनके अंदर, ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा कि पेरेंट्स इस चीज को समझ सकें कि बच्चों के अंदर ये जो सारी स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप की जा सके हैं, टीम वर्क, टीम में कैसे काम करना। तो ये सारी स्किल्स क्या हैं? एक यूनिक सेट ऑफ स्किल्स हैं जो एक नॉर्मल पेरेंट्स और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड पेरेंट में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो अब ये डिसीजन आपका है कि आप एक नॉर्मल पेरेंट बनना चाहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड पेरेंट बनना चाहते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपको वो स्किल्स अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। और अगर वो बच्चे वो स्किल्स को बचपने में ही सीख जाते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगा।